रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आइए यहाँ जानते हैं किन राशि के जातकों को लाभ होगा और किन्हें मिलेगी खुशखबरी। आज भगवान श्री सूर्य देव जी की कृपा किन राशि जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन, आइए यहाँ जानते हैं। रविवार 6 जून 2021 को आपका दैनिक राशि फल कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में, आइए यहाँ जानते हैं। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 6 जून 2021 दिन आज रविवार का रहेगा और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बन रही है। यह सुबह के 6:19 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 2:27 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो शोभन नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 3:35 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 4:35 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत अति गंड नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि और चंद्र राशि चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज के दिन का शुभ समय यह सुबह के 11:58 से लेकर ठीक दोपहर 12:52 तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल का समय रहेगा ठीक शाम के 5:26 से लेकर ठीक 7:06 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण और शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। चलिए जानते हैं अब आपके दैनिक राशि फल। जी हाँ, हम आपकी दैनिक राशि फल की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे, आज आपकी ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे आज आपके कह रहे हैं कि आज का दिन सुखद रहेगा और आज नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे यह समय छात्रों को सफलता मिलेगी और कुंवारों के लिए रिश्ते की सूचना आ सकती है। जी हाँ, हम आपको बता दें यह समय लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा और लेन देन करते समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम आपको बता दें यह समय जोखिम लेने से बचें और पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी। हम आपको बता दें आज शुभ समाचार भी आज आपको कहीं से मिल सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें यह समय आर्थिक लाभ होगा और किसी काम को लेकर फैसला लेने में दिक्कतें हो सकती है। जी हाँ, बिना फैसला किए कोई भी काम आज शुरू न करें, अन्यथा आपके साथ गलत हो सकता है। आपको बता दें आपको आज दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें और संभल कर रहें। हम आपको बता दें यह समय कारोबारी साझेदारों पर नज़र रखें और कुछ संगतियों से दूरी बना कर रखें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हम आपको बता दें यह समय लॉटरी नशा जुआओं से नुकसान होगा, इसलिए इन सभी से दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें परिवार के साथ समय बिता पाएंगे और खर्चों पर अधिक से अधिक कंट्रोल रखें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। हम आपको बता दें इस राशि के छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। हम आपको बता दें यह समय जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे। हम आपको बता दें
किसी दोस्त से कामकाज के मामले में आपको कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, आप उन पर जल्द ही काम भी शुरू कर सकती हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, शाम को बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाएंगे और गायों को आज रोटी खिलाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग जो है वह आज आपके लिए धानी रहेगा और आज आपका भाग्य 90% साथ देगा। आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पुकारेगा उन्हें भगवान श्री सूर्य महाराज का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज जरूर लिख दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।